नैमिषाख्यान वर्णन। तपश्चर्या के धन वाले उन ऋषियों ने श्री सूत जी से फिर कहा था कि उन अद्भुत कर्मों के करने वालों का वह यज्ञ कहां पर हुआ था, वह समय जिसमें यज्ञ का यजन हुआ था कितना था और वह किस प्रकार से संपन्न हुआ था। वायुदेव ने पुराण को किस रीति से कहा था, उन्होंने बहुत विस्तार के साथ इस पुराण का कथन किया था। इससे हम सबके हृदय में बड़ा भारी कौतूहल हो रहा है। इस प्रकार से जब प्रेरित किया गया तो श्री सूत जी ने परम शुभ वचन से उत्तर दिया था, हे मुनियों, आप लोग श्रवण कीजिए। जहां पर उन धीरों ने उस उत्तम सत्र को किया था और जितने समय पर्यंत वह वहां पर हुआ था और जिस रीत से हुआ था, इस विशाल विश्व का सृजन करने की इच्छा वाला यजन करता है और तब पहले विसर्जन करता है। यह सत्र अत्यधिक पुण्यमय है, जो कि 1000 परिवत्सरों तक हुआ था, जहां पर गृहपति का ब्रह्मा तप स्वयं ही हुआ था और जिसमें पत्नित्व इडाका था और जहां बुद्धिमान शामित्र था। उन महान आत्माओं वालों के यज्ञ में महातेज वाले मृत्यु ने सब किया था। सहस्त्र परिवस्त्रों तक वहां पर देवगणों ने निवास किया था। भ्रमण करते समय धर्म चक्र की नेमी जहां पर शीर्ण हो गई थी, उस कर्म से मुनियों के द्वारा समर्चित नैमिष विख्यात हुआ था। जहां परम पुण्यमय गोमती नदी है, जो कि सिद्धों और चारणों के द्वारा सदा सेवित रहा करती है, वहां पर ससुता रोहिणी एक ही क्षण मात्र में वह गोमती हो गई थी। महात्मा वशिष्ठ की शक्ति ज्येष्ठा हुई थी, जो उत्तम तेज वाली अरुंधति की सुता का यात्रा दान था। कलमाश पाद निर्भय और शक्ति के सहित इंद्रदेव थे। जहां पर विश्वामित्र और वशिष्ठ मुनि का वैर हुआ था, जिस स्थल पर अदृश्यंती में पराशर मुनि ने जन्म ग्रहण किया था, जिसके ज्ञान में वशिष्ठ मुनि का पराभव हुआ था, वहां पर उन ब्रह्मवादियों ने उस शैल को नैमिष माना था, क्योंकि वहां पर नैमिष यजन किया गया था, अतएव तभी से वे सब नैमिष कहे गए थे। वह सत्र उन बुद्धिमानों का 12 वर्षों तक हुआ था। जबकि विक्रमी पुरुर्वा नरप इस वसुंधरा पर शासन कर रहा था। 18 समुद्र के दीपों का अशन करते हुए भी पुरुर्वा लोभ से रत्नों से संतुष्ट ना हुआ था, ऐसा हमने सुना है। देवदूतों के द्वारा प्रेरित हुई उर्वशी ने उसको अपना पति बनाने की कामना की। उर्वशी के साथ संगत होकर उसने उस सत्र का आहरण किया था। उस नरपति के होने पर नैमिषियों ने सत्र किया था। गंगा ने पावक से दीप्त तेज वाले जिस गर्भ का प्रसव किया था, उसके तुल्य पर्वत में व्यस्त किया हुआ हिरण हो गया था। इसके अनंतर उन महात्माओं को हिरणमय कर दिया था।
लोगों को प्रसन्न करने वाले परम भावो विश्वकर्मा स्वयं देव था। उन अपरमित तेज वालों के सत्र में फिर उस विश्वकर्मा ने प्रवेश किया। पुरुर्वा ने शिकार करते हुए उस देश का सेवन किया। उसने जब देखा कि वह यज्ञ का स्थल एकदम स्वर्णमय है तो उसको महान आश्चर्य हुआ। लोभ के कारण उस राजा का सब ज्ञान नष्ट हो गया और उसने उसको स्वयं ग्रहण करने का उपक्रम किया। तब जो नैमिषीय मुनिगण वहां पर थे वे उस राजा पर बहुत क्रुद्ध हुए थे। उन मनीषियों ने बहुत क्रोधित होते हुए कुश के वज्रों से उसका हनन किया, क्योंकि वे मुनिगण तपश्चर्या में निष्ठा रखने वाले और देव के द्वारा प्रेरित थे। कुशाओं के वज्रों से पिसकर उस राजा ने अपना शरीर त्याग दिया। उसके अनंतर भूमि में उसके उर्वशी के पुत्रों के साथ नरप ने युद्ध किया। नहुष के, जिसको महात्मा पिता कहते हैं, उन अव्रतों में ही वह महीपति बहुत ही धर्मशील था। इस सत्र में वह नरश्रेष्ठ आयु राय और जन्म से बहुत श्रेष्ठ था। उस समय में ब्रह्मवेत्ताओं ने राजा को शांत किया। आत्मूर्ति वाले उन्होंने पृथ्वी के समान सत्र करने का आरंभ किया। उनके सत्र में उन महात्माओं का ब्रह्मचर्य हुआ। विश्व के सृजन करने की इच्छा वाले का प्राचीन काल में विश्व के श्रेष्ठाओं की भांति वैखानस, प्रिय सखा, बाल खिल्य, मरीचियों, अज और मुनिगण, पृतगण, देव, अप्सरा, सिद्ध, गंधर्व, उरग और चारण के साथ वह सूर्य तथा वैश्वा नर के समान प्रभा बाला हुआ। भारतीयों के द्वारा राजा देवगणों से इंद्र के समान शोभा युक्त हुआ था। शस्त्रों, स्तोत्रों और ग्रहों से देवगणों का तथा पितृकर्मों से पितृगणों का और गंधर्वादी का जाति के अनुसार विधि पूर्वक किया करते थे। उसने आराधना में और फिर अन्य कर्मों में स्मरण किया। गंधर्व गण सामवेद के मंत्रों का गान कर रहे थे। परम शोभ और विचित्र अक्षरों और पदों से युक्त वाणी का उच्चारण कर रहे थे, जो परम शुभ थी। वहां पर विद्वान लोग परस्पर में मंत्रों का जप करते थे। प्रतिवादी गण वितंडाबाद के वचनों के द्वारा निहनन कर रहे थे। ऋषि गण और शब्दार्थ तथा न्याय के गाता वहां पर थे। वहां पर कुछ भी हारित नहीं था और ब्रह्म राक्षसों ने प्रवेश किया था। दैत्यगण यज्ञ के हरण करने वाले नहीं थे और वाजमुख अस्त्र आदि थे। प्रायश्चित और दरिद्रता वहां पर नहीं थे। शक्ति प्रजा और क्रिया के योगों से आशीषों में विधि अनुष्ठित की गई थी। इस रीत से वह यज्ञ मनीषियों का 12 वर्ष पर्यंत वृद्धि युक्त हुआ था। ऋषियों का, जो कि नैमिषीय थे, वह सत्र इंद्र के समान हुआ था। ऋत्विज और वीर पीछे की ओर गमन करने वाले होते हुए ज्योतिष टोमों को पृथक पृथक सबको आयुत दक्षिणा वाले कर रहे थे। जहां पर यज्ञ
समाप्त हुआ था, वहां पर महान आदि भगवान वासुदेव से, जो कि अमित आत्मा वाले थे, पूछा कि आपने मुझ ब्राह्मण को प्रेरित किया कि अपने वंश के लिए यह करो, और उन प्रभु ने उनसे कहा, शिष्यवशी देव स्वयंभू है जो प्रत्यक्ष रूप से देखने वाला है और अड़िमा आदि आठों सूक्ष्म अंगों से समन्वित रहते हैं, जो कि त्रियगवाद आदि वर्षों से समस्त लोकों का भरण किया करते हैं, सात स्कंद शाखाओं से भृत थे और विषय से सर्व तो था जरा जर युक्त थे, जिसके मरुत सप्त सप्तक संस्थित महाबल सूत तीनों विहों का सत्र कर रहा था, उपायों के शरीरधारी तेज का यहां पर धारण करता है, धारणाओं की प्राणाध्य पांच वृत्तियां अपनी वृत्तियों से युक्त थी, जिसका शरीरों का धारण को गुणमान होता है, आकाश जिसकी योनि है वह द्विगुण है, और शब्द तथा स्पर्श समन्वित, शब्द शास्त्र अर्थात व्याकरण के विद्वानों के द्वारा वाचिरणी कही गई है, परम नम्र और मधुर वाणी से सभी मुनि गणों को आनंदित करते हुए ही ऐसा किया था। सुंदर मन वाले जो पुराणों के ज्ञाता थे, उन्होंने पुराणों के समाश्रय के युक्त होकर जो पुराणों के प्रवचन करने में नियत थे, उनसे विभु ने कहा था, हे द्विज श्रेष्ठों, यह सब आख्यान जैसा भी हुआ था, ऋषियों का यह परम सर्वोत्तम लोक तत्व है। प्राचीन काल में ब्रह्मा जी ने उत्तम ज्ञान पुराण कहा था, वह देवताओं से और ऋषियों के सभी प्रकार के पापों का मोचन करने वाला है। अब पूर्ण विस्तार से और अनुपूर्वी अर्थात आरंभ से अंत तक क्रम से मैं अनुक्रम से बतलाऊंगा।